इसका कुछ अलग ही स्वैग है, खोया नहीं है क्योंकि ये जगा हुआ है, क्योंकि ये पार्टी में गया नहीं था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज जो है हम जा रहे हैं फीफी आइलैंड। तो हम यहाँ से जो अपने होटल से टैक्सी में रसाडा पिय जाएंगे और वहाँ से जो है हम फिर फीफी आइलैंड के लिए जाएंगे। तो हमने जो है एक इन ड्राइव पर जो है हमने एक टैक्सी मंगाई है जिसमें 200 बात में एक फॉर्चूनर कार आ रही है, जिसमें से हम चार लोग जो है उसमें बैठकर फुकेट का जो पियर है रसाडा पियर वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ से हम देखते हैं कि क्या बोट मिलती है या फेरी मिलती है या स्पीड बोट, हम उसे लेके जो है फीफी आइलैंड जाएंगे और हम आज फीफी आइलैंड में स्टे करेंगे। तो अभी जो हम फेरी टर्मिनल पे पहुंच गए हैं, अगर आप फुकेट से फेरी टर्मिनल आएंगे तो आप जो है टैक्सी बुक कीजिए, और जब आप अगर आपके पास पहले से टिकट नहीं है तो आप जब आएंगे तो रास्ते में वो टैक्सी वाला ही आपको बीच में एक जगह रोकेगा जहाँ फेरी कंपनी का जो है ना अपना टिकट काउंटर है, वहाँ पर आप लेंगे। 450 बात का एक साइड का पड़ा, तो दोनों साइड का 900 है, तो 900 मतलब इंडियन करेंसी में हो गया लगभग 2200 के आसपास ने पे किया है दोनों तरफ से रिटर्न आने का। और ये यहाँ पे पहुँचे हैं अभी, हमारी जो है फेरी 145 में है और यहाँ से ये लगभग जो है 2 घंटे 40 मिनट या 2.5 घंटे के आसपास लेगा और उसमें हम पहुँच जाएंगे फीफी आइलैंड और वहाँ पर हम फिर स्टे करेंगे। तो हमने वहाँ पे होटल में बुकिंग कर लिया है, आइबिजा हाउस एक होटल है और प्लस उसमें जो है हॉस्टल्स भी हैं, हमने अभी कमरे भी बुक किए हैं, हॉस्टल भी बुक किए हैं और वो पेड होटल है, वो जाके वहाँ देखेंगे कि क्या है, क्योंकि हमने जो कमरे बुक किए हैं वो 1500 जो है पर नाइट हमें पड़ रहा है। अगर आप फुकेट से फेरी के का टिकट लेंगे तो वहाँ पर भी आपको लगभग वो है 550 तक या 600 से शुरू करेंगे, 550 तक में आपको मिल जाएगा, जिसमें वो यहाँ पे आपको ड्रॉप भी कर देगा फेयर पे। अगर आप चाहें तो यहाँ से जो है दिन भर का भी टूर करके आप फीफी आइलैंड का आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादातर टूरिस्ट होते हैं वो यहाँ से जाते हैं और दिन भर जो है ट्रिप करके वापस आ जाते हैं, जिसमें माया बे और ये सब होता है, फिर उसमें लंच इंक्लूड होता है। तो लेकिन ये हमारी जो एटनरी है ये हमारी सेपरेट एटनरी है, मतलब कि हम यहाँ से खुद से जाएंगे और खुद ही वापस आएंगे। इस टर्मिनल को जो है रसाडा जो है फेरी भी बोलते हैं, रसाडा हार्बर भी बोलते हैं। ये फुकेट में जब आप गूगल में सर्च करेंगे तो फुकेट फेरी टर्मिनल का, तो ये आपको रसाडा हार्बर के नाम से आएगा, रसाडा पियर के नाम पे आएगा। तो आप वहाँ के लिए टैक्सी बुक कर लीजिए और यहाँ पहुँच जाइए। बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ से स्पीड बोट भी जाती है। स्पीड बोट थोड़ा जो है क्या होता है कि महंगा पड़ता है, तो इसलिए हमने स्पीड बोट नहीं लिया और वो 45 मिनट्स में पहुँचा देती है। अगर आपको जल्दी है तो आप स्पीड बोट ले सकते हैं और स्पीड बोट का प्राइस लगभग जो है दुगुना से भी ज़्यादा है। ये जो हमारे साथ वाले हैं देखिए कैसे पैर फैलाकर सो रहे हैं, क्योंकि ये रात भर जो इन्होंने ज़बरदस्त पार्टी की है, इतना इन्होंने डांस किया है रात में कि क्या बताएं। तो व्यक्ति देखिए कैसे सो रहा है, रात में बोला कि भाई चलो पार्टी के लिए, तो इसने मना कर दिया। हाँ क्या भाई, पार्टी वार्टी क्यों नहीं करते? ये जो है ना सिर्फ लगा रहता फोन पे, सोया नहीं है क्योंकि ये जगा हुआ है, क्योंकि ये पार्टी में गया नहीं था। आप यहाँ जब जो है हार्बर पर आएंगे पीएस पे तो बड़े सारे आपको जो है खाने पीने का जो है स्टॉल मिल जाएगा और कई सारे स्नैक्स स्टॉल है, उस पर भी आकर आप जो है खा पी सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि पीछे जो कई सारी दुकानें हैं, तो आप यहाँ से कुछ जो है चश्मे वगैरह जो है आपको टोपी वगैरह लेना हो, बैग वैग, तो अभी आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर जो है स्पेयर पे सब कुछ मिलता है, सारे सामान जो भी है ज़रूरत की सामान सारी चीज़ मिलता है, तो आप यहाँ आकर खरीद सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। तो हम जो है चेक इन कर चुके हैं और फेरी में बैठने के लिए जा रहे हैं।
drifting away, but I know you're not the type to stay. हम जो है अपनी फेरी में बैठ गए हैं और सीट हमने सबसे आगे के लिए है और यहाँ से जो है निकलेंगे. तो हम जो है अभी बैक के ऊपर और यहाँ से जो है नज़ारा बड़ा जो है खूबसूरत दिख रहा है चारों तरफ. अभी जो हम डेक के सबसे ऊपरी छोर पर आकर बैठे हैं और बड़ा जो है खूबसूरत यहाँ से नज़ारा दिख रहा है समंदर का. और अगर आप भी देखेंगे तो आपको लगेगा, तो आप जो है फेरी में इस तरह की फेरी लीजिए और जो है समंदर की हवा और समंदर का आनंद लीजिए. ये देखिए आप हमारे पीछे जो कितना खूबसूरत नज़ारा है, इस तरफ भी आप देखेंगे कितना खूबसूरत है. थोड़ा संभल संभल के चलना पड़ता है क्योंकि फेरी थोड़ी हिलती है. और हमारे पीछे देखिए ये पूरा जो है ना पायलट जो है कैप्टन जो भी है फेरी का वो इसको जो है चला रहे हैं पीछे. और बहुत खूबसूरत नज़ारा है दोनों तरफ और कई सारे देसी विदेशी सैलानी जो है यहाँ पर आपको जो है डेक पर खड़े मिल जाएंगे. तो बोट खुलने के बाद जो है जब ये फेरी खुल जाती है उसे खुलने के बाद जो है आप डेक पर आकर इसका आनंद ले सकते हैं. फेरी 2 घंटे 40 मिनट के लगाएगी और ये हम पहुँच जाएंगे फीफी आइलैंड. आएंगे तो यहाँ खाने पीने की भी जो है सारी चीज़ें उपलब्ध है और खुद के लिए बियर वगैरह अगर आप पीते हैं तो वो सब ले सकते हैं. वो सब यहाँ उपलब्ध है बट उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा. लोग जो है बस कुछ ही मिनटों में जो है पहुंचने वाले हैं. यहाँ से सामने जो फीफी आइलैंड में दिख रहा है उसका पियर और जो है हम टाइम हो चुका है 3:41, तो यानी जो है 3:45 में हम फीफी आइलैंड पहुंच जाएंगे. तो हमें जो लगभग लग गए हैं दो घंटे में हम जो है फीफी आइलैंड पहुंच चुके हैं. अब जो है हम फीफी आइलैंड पर उतर चुके हैं और हम फीफी आइलैंड के पियर पर हैं और यहाँ से जो है हम अपने होटल चलेंगे आइबिजा हाउस. आप उसको आइबिजा हाउस बोलिए या आइबिजा हॉस्टल भी बोलिए बट आपको वेबसाइट में वो आइबिजा हाउस के नाम से जाना जाता है. अभी तक तो दिख रहा है बेहतरीन जगह है ये, तो एक बार अवश्य यहाँ पर आएँ और जो है प्रकृति का आनंद लें. तो छोटा सा आइलैंड है तो जब आप यहाँ पर फेरी से उतरते हैं तो आपको एंट्री फीस जो है 20 बात पे करना पड़ता है, लगभग 50 रुपये. ये हर किसी से जो है 20 बात जो है एक्स्ट्रा लिया जाता है. ये यहाँ का फीफी आइलैंड का एंट्री चार्जेस है, तो आपको ये 20 बात यहाँ पे करना पड़ेगा. उसके बाद आप फीफी आइलैंड के अंदर इंटर कर सकते हैं. तो जो है ये हमारे होटल से जो है लोग रिसीव करने के लिए आ गए हैं एक बार और ये जो है हमें रिसीव कर लिया इन्होंने. अब हमारा सामान जो है ये लेकर खुद जाएंगे. आप अगर यहाँ पर आते हैं तो जैसे पीछे देखिए मैकडी है, तो मैकडी में भी आप खाना खा सकते हैं. थोड़ा यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ बीफ वगैरह मिलता है. अगर आप बीफ नहीं खाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देके ऑर्डर कीजिएगा. तो ये हमारे होटल का बॉयज है, ये देखिए हमारा सामान जो है सब रख रहे हैं और जो है ये सामान रख के इसी में लेके जाएंगे इस गाड़ी में. God knows when I'll see you again. Try to find another reason. Something just
हम जो है एबीजा हाउस जो है वहाँ पर पहुँच चुके हैं अपने होटल में। बहुत प्यारा सा जो है कमरा मिला है और ग्राउंड फ्लोर पे है, तो आपको शोर आ रहा है म्यूजिक का। ये दुनिया भर में से मशहूर पार्टियों में से एक पार्टी यहाँ पर होती है, एबीजा पूल पार्टी, और ये थाईलैंड की सबसे मशहूर पूल पार्टी है। अगर जब भी कभी अगर थाईलैंड आते हैं और आप पार्टी के शौकीन हैं तो यहाँ पर जरूर पहुँचें। इस हॉस्टल में रुकिए, यहाँ पर एंट्री फ्री है हॉस्टल में रुकने के बाद या इस होटल में रुकने के बाद। आप अगर अकेले हैं तो हॉस्टल में भी रुक सकते हैं और होटल में भी रुक सकते हैं। यहाँ पर रुकिए और जो है आप इस पूल पार्टी को एंजॉय कीजिए। का ब्लॉग अब हम यहीं समाप्त करते हैं, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग है एबीजा हॉस्टल पूल पार्टी का, उसमें आपसे मिलते हैं। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।